हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। एक छोटा सा ऑडियो क्लिपिंग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं मैं, जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम से रिलेटेड है। इस ऑडियो क्लिपिंग में जो क्रेडेंशियल्स मैं आपको बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग वो सारे एस्पिरेंट्स जो गेट 22 में इस क्रेडेंशियल्स के अकॉर्डिंग गेट के एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं, उन सभी को एक आइडिया लगेगा प्रॉपर तरीके से कि उनको क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट IITs NITs में मिल सकता है। सो जिसके ऑडियो क्लिपिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो लास्ट ईयर हमारे पोस्ट गेट गाइडेंस टीम के साथ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीजें उन्होंने शेयर किया और उसके साथ साथ अपनी अपॉर्चुनिटीज भी हमको बताए हैं। सो पूरा क्रेडेंशियल ऐसा है कि उनका स्कोर गेट 21 में 407 था, ब्रांच EC कैटेगरी जनरल, और उनका जो CGPA था BTEC में वो था 9.74। राइट नाउ ही इज परसुइंग डायरेक्ट PhD इन IIT रुड़की, और उनकी सारी ऑप्शंस जो उनको 407 में इसी ब्रांच में 407 स्कोर में इसी ब्रांच में मिला था, वो सारे ऑप्शंस उन्होंने एक एक करके बताया है। इस ऑडियो क्लिप को ध्यान से ईयरफोन लगा के सुन लेना, ताकि हम जो इन जनरल सोचते हैं कि लो गेट स्कोर में हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हम कई बार ड्रॉप लेने का भी प्लान करते हैं और कई बार हमारी उम्मीद जो है वो खत्म हो जाती है और हम ये सोचते हैं कि हमको गेट करने की जरूरत ही क्या है, जब हम लोग अच्छा स्कोर ला नहीं सकते और अच्छा स्कोर ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे ये भी कंफर्म नहीं होता है, और लो गेट स्कोर में हम लोग कई बार क्विट भी कर लेते हैं। सो इस ऑडियो क्लिपिंग के बाद आपको काफी सारा आइडिया लगेगा। सो यहां से हम ऑडियो क्लिपिंग चालू कर रहे हैं और उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा, लेकिन आप इस ऑडियो क्लिप को सुनेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि 407 के गेट स्कोर में EC ब्रांच में विथ दोज क्रेडेंशियल दैट आई हैव डिस्कस्ड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। ओके, गुड इवनिंग सर। सर, आई गॉट ए स्कोर ऑफ 407 फ्रॉम EC पेपर। आई वॉज जनरल कैटेगरी। Initially, sir, the IITs that I got called was, first I got called from IIT Gandhinagar for direct PhD. Then I got called from IIT Guwahati also for direct PhD. Then I got IIT Indore MS call for space, that new branch related to space science. Then I got IIT Bombay's interview call for Sitara. I didn't get clear. So, Sitara, I got interview call and its cutoff was 400 last year for Sitara branch. Then IIIT Delhi, I got called for MTech, sir, and I cleared that IIIT Delhi. I got final selection there. Then I got called from IIT Mandi again for direct PhD, and I was selected in IIT Mandi also. Then IIT Madras, I got called for biomedical engineering for MS, sir, and for MS I got called. Then IIT Roorkee, I got a call for this direct PhD, and I got selected in that, and I took IIT Roorkee as my final preference, as my first preference, and now I am studying there. And finally, I also applied in one NIT, sir, NIT Calicut also I applied for direct PhD post, and I got selected in that also. These all were the calls that I got, sir, and I got selected in four, and now I took IIT Roorkee and I am studying in IIT Roorkee.